हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी अड्डा। आप सभी लोगों का सीयूईटी अड्डा के स्टॉल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट वी आर नियर टू आर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। चाहे अगर मैं पीजी की बात करूँ तो 11th ऑफ मार्च से पीजी के पेपर हैं। यूजी की अगर मैं बात करूँ तो यूजी के पेपर जो है वो मई में स्टार्ट हो जाएंगे। सो टाइम कम है और ऑब्वियसली आप लोगों को फोकस्ड रहना है कि आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने टाइम को यूटिलाइज करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अपनी प्रेपरेशन है उसको कर पाओ। लेकिन इतने कम टाइम में ऑब्वियसली बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं कि वो प्रेपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें और कैसे उनकी प्रेपरेशन एकदम सॉलिड हो सकती है। इन सब चीजों के अलावा बच्चों के दिमाग में एक थॉट जरूर आता है कि चलो कुछ भी नहीं होगा मेरे पास, अगर सीयूईटी की बुक्स मेरे पास होंगी तो वो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएंगी और मैं उसको पढ़ करके अपना एग्जाम आराम से निकाल सकता हूँ। बट काफी सारे बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो बुक ले भी रहे हैं तो किस तरह की बुक उनको चूज करनी चाहिए, किस तरह की बुक उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और क्या क्या क्वालिटीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर बुक में होनी चाहिए जब आप उसे परचेज करने के लिए जाते हो। तो ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी। यहाँ पर देखो, आपको किसी भी बुक का, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बैंक हो, ठीक है, चाहे आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपने बुक्स खरीदते समय यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स, फोकस ऑन दीज थिंग्स, ठीक है ना। व्हाइल बाइंग बुक्स, आपको बुक्स बाय करते टाइम इन चीजों का ध्यान देना है। किन चीजों का ध्यान देना है? सबसे पहला कि आपको उसमें, ठीक है, ऑल टॉपिक्स कवर किए जाएं, वो टॉपिक्स कवर किए जाएं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आपको नहीं पता कि आपके टॉपिक्स क्या क्या हैं तो आप cut.summer.ac.in की वेबसाइट पर जाकर के सिलेबस अपना चेक कर सकते हो। हाँ, इंग्लिश और जीटी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो आप किसी भी चैनल को जो आप फॉलो कर रहे हो उसमें देख लो कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप अड्डा सीयूईटी अड्डा के ही चैनल को फॉलो कर सकते हो जहाँ पर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो टॉपिक्स सारे कवर्ड हो, ठीक है ना, ऑल टॉपिक्स कवर्ड। सेकेंड, ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट पार्ट मस्ट बी Easy. अब आप कैसे चेक करोगे कि कॉन्टेक्स्ट पार्ट इजी होना चाहिए? आप देखना माइंड मैपिंग, पिक्चर्स, है ना, मैचिंग्स, इन सब के थ्रू जो बुक है उसको इजी करने की कोशिश करी जा रही होगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन हो, मतलब आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कम से कम आपको 50 से 100 क्वेश्चंस मिल जाए सॉल्यूशन के साथ, जिनको आप हर चैप्टर पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर पाओ। और फिर आपका जो पोर्शन आता है वो क्या होता है? वो होता है आपका पीवाईक्यू का कवरेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें कवर्ड हो, ठीक है ना, एंड दैट टू विद सॉल्यूशन, विद सॉल्यूशन, ठीक है। और कोशिश करना कि जब भी आप बुक ले रहे हो तो आप बुक अलग अलग राइटर्स की मत खरीदो। आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह मिल जाए, एक पर्टिकुलर राइटर मिल जाए, उसी की ही आपको सारी बुक मिल जाए। अगर लैंग्वेज की चाह रहे हो, ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चाह रहे हो, करेंट अफेयर्स की चाह रहे हो या फिर आप जीके की चाह रहे हो, है ना, मैथ्स की चाह रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की चाह रहे हो, तो आपका सोर्स सेम होना चाहिए, सेम सोर्स। क्योंकि जब आप सेम सोर्स से जा रहे होगे ना तो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने पहली बुक में कवर किया हुआ है वही दूसरी बुक में कवर करेंगे, यही पैटर्न वही तीसरी बुक में कवर करेंगे, वही चौथी बुक में कवर करेंगे। सो अगर इन 4-5 चीज़ों पे आप फोकस्ड हो जाओ तब आप बुक परचेज करने जाओ तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। हाँ, यहाँ पर लेकिन मैं आप लोग को एक छोटी सी चीज़ बताती जाऊँगी कि अड्डा 24/7 अपनी खुद की भी बुक्स प्रिंट करता है और आपको प्रोवाइड करता है। हमने काफ़ी सारे कंटेंट मेकर्स यहाँ पर लगाए हुए हैं अपनी बुक को बहुत परफेक्ट बनाने के लिए, जिसमें हमने आपके कॉन्टेक्स्ट को भी रखा हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किए हैं, पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज बता दूं, आज और कल 2 दिन आप लोगों का मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है ऑन बुक प्राइजेस। आपको इसके लिए करना क्या है वो मैं बता देती हूँ। आपको कुछ नहीं, बस छोटा सा एक काम करना है, अड्डा की ऐप पर चले जाना। जैसे ही आप अड्डा की ऐप पर जाओगे, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पर चले जाना, अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना, किससे हो, यूजी से हो कि पीजी से हो।
जब आप सिलेक्ट करोगे तो चाहे आप महापैक में जाओ, चाहे साइंस में जाओ, चाहे कॉमर्स में जाओ, आप जिस भी में जा रहे हो, लैंग्वेज जीटी में जाओ, तो जब आप जा रहे हो तो आपको यहाँ पे लाइन से बैजेस मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसे गाइडेंस की जरूरत है, उसे बैच की जरूरत पड़ेगी, तो वो बैच भी ले सकता है। नहीं तो आप यहाँ पर जाओगे तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगी। बट मैं बुक की बात कर रही हूँ, यहाँ पे ई बुक्स भी अवेलेबल है, यानी कि बुक आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके फोन में मिल जाएंगी, या अगर आप हार्ड कॉपीज ऑफ बुक लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। अब यहाँ पे देखो, आपको कॉम्बो में भी बुक मिल रही है, इंग्लिश लैंग्वेज की सेपरेट बुक भी मिल रही है ना, ह्यूमैनिटीज के डोमेन की भी बुक मिल रही है। सो सपोज अगर आप कोई भी बुक खरीदना चाहते हो, देखो 431, 639, 308, 679 कितनी लीस्ट कॉस्ट पे मिल रही है। अब इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बाय नाउ पे जाओ, कोड यूज करो Y484। जैसे ही कोड यूज करोगे वैसे ही ओके। सो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ आई थिंक देयर माइट बी सम प्रॉब्लम, आप इसको वापस से एक बार चेक करना कि क्या दिक्कत है। मेरे को तो अभी यहाँ पर ये ज्यादा ही दिखा रहा है, बट आप इसको चेक करना। तो आप जब ये कोड यूज करोगे Y484, सो इट विल बी एप्लीकेबल इन मैक्सिमम कॉस्ट। मैं इसको भी चेक करके देख लेती हूँ। बाय नाउ पे जाते हैं, Y484 कोड यूज करते हैं। जैसे ही हम कोड यूज करेंगे वैसे ही हमको यहाँ पे ये देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे दिस वर्क्स, ठीक है, ये 447 रुपीज का मिल रहा है। गॉट इट? सो आप इस तरीके से Y484 कोड को मैक्सिमम जगह पे यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड दिस सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव।